बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक पुराना खेत था। सब गांव वालों का मानना था कि वह खेत श्रापित है। जो भी किसान उस खेत में खेती करता था, उसकी सारी खेती सूख जाती थी। उस खेत की मिट्टी खून की तरह लाल थी। जो भी मजदूर उस खेत में काम करने जाता था, उसे वहां डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। एक दिन एक किसान उसी खेत में काम कर रहा था, तभी वह खेत की मिट्टी उसे अपने अंदर खींचने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, मैं अचानक इसके अंदर क्यों खींचता जा रहा हूँ? अरे कोई मुझे बचाओ, ये सच में भूतिया खेत निकला। अरे मर गए रे, ये खेत तो मुझे जिंदा ही निकल रहा है। अरे कोई है, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहाँ से गांव वाला गुजर रहा होता है। वह उस मजदूर को खेत में धंसता देख कर डर जाता है। अरे भाई मेरी मदद करो, ये खेत मुझे अपने अंदर खींच रहा है, भगवान के लिए मेरी मदद करो। अरे भाई ये तो वही भूतिया खेत है। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए आया तो ये खेत मुझे भी अपने अंदर खींच लेगा। अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे मर गया, आज मैं नहीं बचूंगा। भाई कोई तो मेरी मदद करो। देखते ही देखते वह खेत उस मजदूर को अपने अंदर खींच लेता है। यह सब देख कर वह गाँव वाला घबरा जाता है और सीधा भागता हुआ उस खेत के जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब जल्दी बाहर आइए, जमींदार साहब आप कहाँ हैं, जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जमींदार साहब, आपके खेत पर जो मजदूर काम कर रहा था, उसे उस खेत ने अपने अंदर खींच लिया है। वो खेत उसे मेरी आंखों के सामने ही निकल गया। आप जल्दी मेरे साथ चलो। हे भगवान, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। वह जमींदार अपने साथ कुछ गाँव वालों को लेकर उस खेत पर पहुँच जाता है। देखो भाइयों, इसी जगह पर वो मजदूर खड़ा था, तभी अचानक इस खेत ने उसे निगल लिया। भाइयों तुम सब मिलकर एक काम करो, जल्दी से यहाँ खुदाई करो, हो सकता है हमें वो मजदूर जिंदा मिल जाए, हो सकता है अभी भी उसकी सांसें चल रही हों। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहाँ खुदाई शुरू कर देते हैं। उन्हें खुदाई करते करते आधा दिन बीत जाता है, लेकिन उस मजदूर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वह लोग बहुत गहरा गड्ढा खोद देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस मजदूर का नामो निशान नहीं मिलता। ये सब देखकर उस मजदूर की पत्नी बहुत घबरा जाती है। जमींदार साहब, हमें लगता है अब और खुदाई करने से कोई फायदा नहीं है, हमने बहुत गहरी खुदाई कर दी है, अगर उसकी लाश मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। सुरेश भैया ऐसा मत कहिए, हो सकता है ये अब भी जिंदा हो, आप थोड़ी देर और खुदाई करके देखिए ना। हमें माफ कर दो बहन, अब तो अंधेरा भी हो रहा है, ये खेत वैसे ही श्रापित है, रात को यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे लगता है अब हमें अपने घर की ओर चलना चाहिए, कहीं ये खेत हमें ना निकल जाए। इतना बोलकर वे सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उसकी पत्नी उदास होकर वहीं खेत के पास बैठ जाती है। तभी एक मनचला उस खेत के पास से गुजरता है। अरे ये इतनी सुंदर औरत इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? सुमन को अकेला पाकर वह उससे बात करने उसके पास पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? देखिए ना भाई साहब, मेरे पति सुबह इस खेत में काम कर रहे थे, तभी ये खेत मेरे पति को निकल गया। अच्छा ये बात है, अरे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना, मैं अपने पति को यहाँ से ले जाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर जगीरा सुमन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जगीरा का पैर पत्थर पर आ जाता है और वह खेत में गिर जाता है। अरे मर गया रे, इस औरत ने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। मूर्ख औरत, मैं तो तेरी मदद करना चाह रहा था। तभी उस खेत से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जगीरा बहुत डर जाता है। कौन है वहाँ, कौन है जो डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है? देखो तुम जो भी हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तभी देखते ही देखते खेत की मिट्टी धंसने लगती है और जगीरा खेत के अंदर समाने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, ये भूतिया खेत तो मुझे निकल रहा है। अरे कोई है, अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, ये आज मैं कहाँ फंस गया, मैं तो अच्छा भला घर की ओर जा रहा था, इस औरत के चक्कर में तो मेरी जान खतरे में पड़ गई, अब क्या करूं, हे भगवान कोई तो मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते जगीरा को भी वह खेत निकल जाता है। ये सब देखकर सुमन बहुत डर जाती है और सीधे भागते हुए जमींदार के घर जाती है। जमींदार साहब जल्दी बाहर आइए। हे भगवान अब क्या हो गया, कहीं कोई और घटना तो नहीं घट गई?
फिर जमींदार भागता हुआ अपने घर से बाहर आता है और देखता है सुमन बाहर खड़ी होती है। क्या हुआ सुमन बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, अब क्या हुआ? जमींदार साहब, मैं उसी खेत के पास बैठे हुए थी, तभी एक मंचला वहाँ से गुजर रहा था, फिर अचानक से वह उस खेत में गिर पड़ा और उस खेत ने मेरी आँखों के सामने उसे भी निगल लिया। आप जल्दी चलिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जमींदार अपने साथ कुछ लोगों को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। भाइयों, मुझे तो लगता है ये सब इस लालची जमींदार की वजह से हो रहा है। ये पहले से जानता था कि खेत श्रापित है, फिर भी इसने अपने लालच की वजह से इस मजदूर को किराए पर दे दिया। मैं तो कहता हूँ हमें इस जमींदार को यहीं इसी खेत पर बांध देना चाहिए, ताकि ये खेत इसे भी निकल जाए। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि ये खेत श्रापित है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूरे गांव को पता है कि तुम एक नंबर के मक्कार और लालची आदमी हो, तुम्हें सबक जरूर मिलना चाहिए। चलो भाइयों, हम सब मिलकर इसे यहीं बांध देते हैं। फिर भी सब गांव वाले उसे उठा लेते हैं और खेत में ले जाने लगते हैं। अरे मर गया रे, अरे तुम्हारा नास मिटे गांव वालों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, अरे मर गया रे। वे सब मिलकर जमींदार को उसी खेत में पेड़ से उल्टा लटका कर वहाँ से चले जाते हैं। अरे गांव वालों, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो, अरे नास मिटो, वापस आ जाओ, मुझे इस भूतिया खेत में अकेला छोड़ के मत जाओ। फिर वे सब गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं और जमींदार वहाँ अकेला लटका रह जाता है। तभी उस खेत में से भूतिया आवाजें आने लगती हैं। वह जमींदार बहुत डर जाता है। कौन है भाई, कौन है वहाँ? अब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी खेत में से जगीरा बाहर निकलता है। अब वह एक भूत बन चुका होता है। अरे मर गए रे, ये तो सच में भूत है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे कोई तो मुझे बचाओ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं सुबह से भूख के मारे तड़प रहा था, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर जगीरा उसे पेड़ से नीचे खींच लेता है और उससे भी अपने साथ खेत के अंदर खींचने लगता है। ए भूत, मुझे छोड़ दे, मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। तभी जमींदार बहुत तेज तेज चीखने लगता है, उसकी चीख पूरे गांव में सुनाई देती है। सब गांव वाले ये मंजर देखने के लिए खेत की तरफ जाने लगते हैं। बहुत बढ़िया भूत भाई, इस जमींदार को छोड़ना नहीं, ये इसी के लायक है। सुमन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है, उसे ये सब ठीक नहीं लगता। नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं किसी को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी सुमन भागकर अपने घर जाती है और हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर अपने साथ लेकर चल देती है। वहीं दूसरी तरफ वह भूत जमींदार को खेत में खींच रहा होता है और सभी गांव वाले उसकी मौत का मंजर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। अरे गांव वालों, कोई तो मेरी मदद करो, अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे मर गया रे, ये भूत तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। अरे गांव वालों, तुम्हारा नास मिटे, अगर मैं भूत बन गया तो भूत बनकर किसी को नहीं छोड़ूंगा, अरे मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, आए मैं मर गया रे। तभी सुमन हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहाँ पहुँच जाती है। जमींदार जी, ये पकड़िए जल्दी। जमींदार झट से हनुमान जी की मूर्ति को कसकर अपने हाथों से पकड़ लेता है। जय जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो, जय जय बजरंग बली। तभी वह भूत उस जमींदार को खेत के अंदर खींच लेता है। सभी गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। वहाँ एकदम शांति हो जाती है, सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जोर जोर से आवाजें आने लगती है। जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो, जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। उस खेत की मिट्टी जगमगाने लगती है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है। तभी उस खेत से भूतों की आवाजें आने लगती है। हे बजरंग बली, मुझे माफ कर दो, मैं अभी के अभी ये खेत छोड़कर चला जाऊंगा। हे बजरंग बली, माफ कर दो। तभी वह जमींदार, जगीरा और मजदूर खेत से बाहर निकल आते हैं। अरे बच गया रे, मैं तो बच गया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बोलो महाबली हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो। जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति उस खेत की मिट्टी को छूती है, वह खेत श्राप मुक्त हो जाता है। उस खेत की मिट्टी भी अब लाल रंग से सामान्य रंग की हो जाती है। सुमन भी अपने पति को वापस पाकर खुश हो जाती है। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं जानता था कि यह खेत श्रापित है, मैंने फिर भी तुम्हें इसे किराए पर दे दिया, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज सुमन नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। मेरे भाई, आज से ये खेत तुम रख लो, इस पर आज से तुम्हारा अधिकार होगा। और इस तरह वह खेत श्राप मुक्त होता है
और पूरा गांव फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। Hey guys, welcome to my channel. So this is me, Nisadvita. So welcome to Bloom Alive. So ये एक वीडियो है कर्फ्यू के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि ये कोरोना वायरस आ रहा है। So ये कर्फ्यू इसके बारे में। So point one. Wish ek our Prime Minister Mr. Narendra Modi have requested us to keep a janta curfew by our own self. So this curfew is our for ourselves and our need means हमें मींस हमारी नीड के लिए है, हमें ही चाहिए था ये जनता कर्फ्यू। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग अपने लिए ही एक जनता कर्फ्यू रखें। सो चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट टू है कि टू सपोर्ट दिस जनता कर्फ्यू वी शुड ऑल बी इनसाइड आवर होम्स, वी शुड ऑल बी नीट एंड क्लीन। सो एंड द पॉइंट थ्री is this that what we will do in our homes alone with our parents cannot means enjoy with us, they can but not like a kid, they also have their own work. So hum kaise kare? So we should play, we should read our new books if they have come, or if they have not come we should read our old books, and we should also I'm so lucky that I have my own cousins, so I can play with them in my home. हम घर में ही घर घर खेलते हैं। और या और दूसरी बात ये है कि ये करोना वायरस है क्या? This करोना वायरस have come from China. This is also known as COVID. ये फालतू बातें। Ready? और friends एक और question है कि अगर मेरी तरह मेरा ही question मेरी लिए कि अगर कर्फ्यू खत्म हो गया तो हम कल क्या करेंगे? सो कल हमें मींस कहीं ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है अंटिल इट्स नॉट नेसेसरी और अंटिल इट्स नॉट इम्पोर्टेंट वेरी मच। हाय एवरीवन, बी सेफ, प्लीज वेयर योर मास्क एंड एवरीथिंग व्हिच विल सेव अस विद द कोरोना वायरस। डिड यू सॉ एवरीथिंग आई गेव यू ऑफ द कोरोना वायरस मैसेज? I think they saw your, they heard your message. They did. This is for everyone. Each everyone. Okay. Even for the maids, even for everyone. Even for my friends. Okay, bye-bye. Stay safe. Stay safe. Bye. Bye. Have a good day. You also have a good day. Aware of coronavirus, you know that coronavirus is going around the world, and don't eat too much ice creams because we can't go out, and the scars of instructions, and I have noticed that coronavirus doesn't come on you. Don't, if you have a fever or a running nose, don't touch anyone, otherwise they will also get coronavirus. And I've noticed that you can be safe of everyone China, and be saved of the coronavirus. Take some sanitizers on your hand when you come from outside, and when you go outside, wear your mask, and don't waste water. And what else do we do? And you don't need to take food from outside places. And the Prime Minister is saying that. Okay. So we need to stay inside? Yes. Don't even eat ice creams. We won't eat ice creams. Don't even eat vada paos. We won't eat vada paos. What shall we eat? You need to eat your house things, then you will be healthy. And learn about good and good. Good for mommies and good for daddies, good for babies. Okay. What is it? So, today mommy is gonna not scold me and I'm gonna not force her. Force? You mean trouble? And my daddy is saying that
You mean trouble? You won't trouble me? Yes. I will drink my milk and hug her and her cheeks. Bas, thanks. Okay. Now, it's again starting with the coronavirus. Coronavirus can stay 20 minutes in the air and put your windows shut. You've said that already. Can you tell us anything else? And wear your mask. Otherwise, you know what will happen. Yes. I just told you, and this is for everyone. Thank you for the message. And this is for the whole planet Earth. What? The whole lovely Earth. Otherwise, if no coronavirus is there, so the Earth is going to die. That's so true. So we need to stop the coronavirus to killing the Earth. Thank you for the messages. Thank you for calling us. And this is a recording